हाँ तो सीख देखेंगे आप लोग, जैसे कि ये हमारा जो मार्क पेपर है उसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले वीडियो में हो चुका है, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चैनल है उसे देख लेंगे। तो ये थर्ड पार्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी कामा ए प्लस बी है। शीर्ष क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि ये त्रिभुज है, इसके तीन शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ये, एक ये, मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो वो ए का निर्देशांक है, ये बी का है, ये सी का है, ठीक है। तो हमको इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आप लोग चाहे फार्मूला लगा कर कीजिए और चाहे ऐसे कर दीजिए जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी तीनों शीर्षों के बिंदुओं को लिख लेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेंगे, बता दे रहा हूँ, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और ए वाले को एक बार और लिख देंगे, ठीक है। पहला बिंदु पॉइंट शीर्ष, दूसरा, तीसरा, और फिर पहला वाला फिर से लिख देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को याद कर लो बच्चों, बहुत जल्दी हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमको जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मान लो कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो इसका एरिया हमको अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, चाहे जितना हो बच्चों, देखो ध्यान से, अगर चार पॉइंट रहेगा, चार कितना रहेगा, चार पॉइंट रहेगा, तो क्या करोगे, ऐसे चारों लिख लोगे और पहले वाले को फिर से एक बार लिख लोगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर पांच पॉइंट रहेगा यानी कि पंचभुज है, तो पांचों बिंदु को लिख लोगे और पहले वाले को फिर से लिख दोगे तो पांच भुज का मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, लिख लेंगे सबसे पहले 1/2, इसका मल्टीप्लाई है इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो ए गुड़े सी, ए सी, ए गुड़े ए स्क्वायर, बी गुड़े ए बी, बी गुड़े बी, बी स्क्वायर, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, ठीक है। फिर सी गुड़े ए, सी गुड़े बी, बी सी, और सी गुड़े सी, सी स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगाते हैं, इतना काम हो गया। पहले इधर का कराएंगे पूरा और इसको छोड़ देंगे लास्ट वाले को। उसके बाद क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन लगाकर अब इधर पूरा कराएंगे, इधर तो बी गुड़े सी, तो बी स्क्वायर और बी सी, इसका कराएंगे और इसका सी गुड़े सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी, बस लगा देंगे ए गुड़े ए स्क्वायर, और हो जाएगा ए बी, इसका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह से पांच भुज है तो भी हो जाएगा, छह भुज है तो भी हो जाएगा, चाहे इतना हो जाएगा, बस पहले वाले को लास्ट में फिर से लिख देंगे, पहले ऐसे ऐसे पूरा करा देंगे माइनस, फिर इधर से पूरा करा देंगे बस। अब देखो बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी, बी सी इसमें है, इसमें भी है, सी स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है, ए सी इसमें है, इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें, इसमें भी है, ए बी इसमें, इसमें भी, सेम चीज है ना, घटेगा तो क्या आएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा, जीरो। इसलिए लिख देंगे हम 1/2 × 0 बराबर जीरो आ जाएगा, ये क्या हो गया, जीरो। लिखेंगे जीरो वर्ग इकाई, जीरो वर्ग इकाई मतलब जीरो स्क्वायर मीटर आ रहा है। तो आप लोग कह दोगे कि ये त्रिभुज बना ही नहीं था, ये एक रेखा था, इसीलिए इसका क्षेत्रफल जीरो आया, क्योंकि जब रेखा रहेगा तो क्षेत्रफल कहाँ आएगा त्रिभुज का, नहीं आएगा, है ना बच्चों। तो ये जो है एबीसी जो है त्रिभुज नहीं बन पाया था, जबकि ये एक रेखा था, तो जब रेखा रहेगा तो मतलब उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। कभी कभी ये भी कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी समरेख है, इसी को समरेख कहते हैं बच्चों, कॉलिनियर, ए बी सी, ये ए बी सी समरेख कब होंगे, जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालोगे और जीरो आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल जीरो आ गया तो जानो कि तीनों समरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है, कॉलिनियर है, चाहे ऐसे कह देगा और चाहे कहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, या कह देगा त्रिभुज क्षेत्रफल प्रूव करो कि जीरो होगा, सिद्ध करो, या कह देगा कि सिद्ध करो कि बिंदु ए बी सी समरेख है, इस तरह से भी हो सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर 1 3.14 अंडर रूट 3 बराबर 1.732 का प्रयोग कीजिए। जैसे कि बच्चों प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त है आपके पास और इस वृत्त का जो व्यास है वो 30 सेंटीमीटर है, जो व्यास है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा
केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। मान लो एक वृत्त है, इसका जो व्यास है बच्चों वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिखा दे रहे हैं आप लोग को। मान लो ओ सेंटर है और ये पूरा जो है पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है, यानी कि आप लोग लिखेंगे ऐसे कि दिया है, क्योंकि दिया है व्यास है ना, जो व्यास यानी कि डी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या, इसीलिए त्रिज्या आर बराबर 30/2, क्योंकि व्यास की आधी होती त्रिज्या ना, इसलिए 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है, मान लो कि वो जीवा ये है, केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है, जो अंतरित का मतलब ऐसे काट रही है 60 अंश का कोण, अंतरित का मतलब क्या होता है बच्चों कि वो इसे 60 अंश केंद्र पर काट रही है। तो देखो बाबू ये भी त्रिज्या है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, तो हमको बताना है संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब अगर हम इसका बताएंगे इसका, तो ये हमारा लघु वृत्त खंड है, पूरे वृत्त में से इसी को घटा दो जो पूरा बचेगा वो दीर्घ वृत्त खंड है। बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो इस जीवा के इस पार्ट में बच रहा है ये लघु है, छोटा है ना, लघु वृत्त खंड है, बस इसी को निकाल लो कि पूरे वृत्त में से इसको घटा देना, तो जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दोगे तो जो बचेगा बाकी पूरा ऊपर जो यही बचेगा ये सब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर इस त्रिभुज का घटा देंगे तब ये वृत्त खंड का मिल जाएगा, फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्त खंड का मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे साथ साथ आप लोग लिखेंगे नहीं तो नहीं जान पाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए ये लंब खींच दे रहे हैं, देखो बच्चों ऐसे लंब खींच दे रहे हैं, मान लें कि ये ए है, ये बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है, तो ये 15 है तो ये 60 है बच्चों, तो जब लंब खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर खींचे हैं और ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंस है ना, ये दोनों ट्रेंगल आपस में सर्वांगसम है, क्यों, देखो ये भुजा त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये कॉमन है, ये 90-90 है, तो दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है 90-90, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसीलिए हम कहें कि ये 30-30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते तो सब कुछ बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है, ऊंचाई बराबर होता है, इसीलिए हम कहें कि ये दोनों 30-30 है बच्चों, ठीक है। अब वो 30 है तो हमको सबसे पहले ये बताना है कि ये कितना है और ये कितना है, बस हमको यही मिल जाए और ये मिल जाए तो हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको देखो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है बच्चों। तो हमको पहले ए सी चाहिए, तो ए सी चाहिए तो ए सी ऊपर, जिसका मान निकालना बच्चों वो ऊपर, ए सी चाहिए ना ए सी, तो ए सी को ऊपर लिखेंगे और जो हमको पता है जैसे कि हमको पता है ए ओ, ए ओ को नीचे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब, ये लंब हो गया, 90 के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण, ये कर्ण हो गया, जो बचा है वो है आधार, ठीक है, जो बचा है वो है आधार। तो हम क्या लिख दिए हैं, ए सी यानी कि लंब और ए ओ यानी कि कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कौन सा थीटा है, साइन थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा है, तो ये हो गया साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश है, तो लिखेंगे हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे साइन 30 अंश, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में हम एसी का मान निकाल दे रहे हैं, एसी हो गया, ए ओ का मान कितना है बच्चों 15 है, ए ओ का मान कितना है 15 है, उसके बाद क्या है बाबू, जब ए ओ का मान 15 है ना, साइन 30 का मान इन सबको छोड़ देंगे, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, तो यहां से निकल के आ गया कि AC का मान आ गया 15/2, ठीक है बच्चों। अब AC का मान आ गया 15/2, कितना आ गया 15/2, तो जितना AC रहेगा उतना ही BC रहेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंस है ना,
दो ध्रुजा सब आंसर है, तो जितना ए सी का मान आएगा उतना ही बी सी का मान आएगा, तो इसीलिए अब ये जो बी सी का मान भी सेम आएगा, इसीलिए बी सी बराबर भी 15/2, अतः अतः ए बी बराबर हो जाएगा 15, यानी कि 15/2 जोड़ लेंगे, 15/2 जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चों, 15/2 और 15/2 जोड़ लेंगे, तो ये 15/2 ये 15/2 तो जोड़ लेंगे आ जाएगा ए बी ना भाई, ये भी ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए बी तो आएगा, तो इसीलिए जोड़ लेंगे, तो 15/2 30/2 बराबर 15 ही आ गया, यानी कि हमको यहां से मिल गया ए बी बराबर 15, कितना 15, ए बी बराबर 15 है। उसके बाद हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको ये ऊंचाई चाहिए थी एच, ठीक है, तभी तो हम लगा के त्रिभुज क्षेत्रफल ए बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो हमको ऊंचाई चाहिए, ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे, तो उसको ऊंचाई ले लेते, कैसे निकालेंगे ऊंचाई बच्चों देखो ध्यान से, तो जो ना पता हो उसी को पता करना, उसको ऊपर यानी कि ओसी को ऊपर लिखेंगे, अब जो पता यानी कि ये हमको पता है उसको नीचे, ओ को नीचे लिखेंगे, ठीक है, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा हुआ आधार, तो ओसी हमारा आधार है और ओए हमारा कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण कौन सा थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 30 अंश, कॉस 30 अंश, तो लिखेंगे ओसी बटे ओए का मान लिखेंगे बच्चों 15, और इनको काट देंगे, कॉस 30 अंश का मान कितना बच्चों √3/2, तो 15 कैसे पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा OC बराबर 15√3/2, ये आ गया H, यानी कि ये हमको मिल गया H, तो यानी कि हमको आधार मिल गया बाबू, AB का आधार का मान मिल गया है, उसके बाद हमको क्या मिल गया है, ऊंचाई OH का मान मिल गया है, तो हम इस तरह से त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सॉरी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम जा रहे निकालने देखो, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बच्चों जितना आधार अगर इतना लोगे इतने त्रिभुज का मिलेगा, आधार अगर पूरा ले लोगे पूरे त्रिभुज का मिल जाएगा, तो ये आधार ए बी गुणे संगत ऊंचाई ओ सी, आधार गुणे संगत ऊंचाई लेते, ठीक है बच्चों, अगर इतना आधार लोगे तो इसका मिलेगा, पूरा आधार लोगे पूरे का मिल जाएगा, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार हमारा कितना बच्चों, ये भी कितना है 15 है, और ओसी कितना है 15√3/2 है, 15√3/2 है, तो 15 × 2 = 5 √3 × 2 = 4, ठीक है, ये आ गया हमारा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्या गया बच्चों त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ले आओ, पॉइंट में भी ले आओ, क्योंकि वो कहा था √3 का मान रखने के लिए, तो √3 का मान रख दीजिए आप, ठीक हो जाएगा 2 × 5 = 1.732/4, इसका इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 × 2 × 2 = 5, देखो 5 × 10 का 0 वहाँ से 0 लिखो या मत लिखो, ठीक है, 4 से डिवाइड कर भी देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, चलो 4 9 = 36, 2 9 = 28, 1 7 = 26, इसको उतारेंगे देखो, जैसे इसको उतारेंगे जैसे पॉइंट लग जाएगा, तो 4 4 = 16, 1 0 = 5, तो ये आ गया 97.425 cm², ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है, अगर अब हमको लघु वृत्त खंड का निकालना हो तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है बच्चों, हो गया आप लोग का, इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से चाहें तो सिर्फ ए सी बी यानी कि ये लघु वृत्त खंड निकाल लेंगे, लेकिन हमको दीर्घ वृत्त खंड का बताना है, तो पूरे वृत्त में से पहले इसको निकालेंगे फिर इसको घटा देंगे, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों,
कि इसको रहने दे रही है, एरिया हमारा निकल चुका है कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, तो उसको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद बाकी सबको हटा दे रही और सबका काम नहीं हमको, तो लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 90.45, ये हो गया, इसको भी हटा दे रही। अब हम ये लिख रहे हैं कि ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी इधर लिख देंगे डी, ए सी बी डी का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखे बच्चों, त्रिज्या के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये पूरा ले लेंगे, ये पूरा निकालने का फार्मूला इसीलिए इसको ले रहे हैं, ठीक है, त्रिज्य खंड निकालने का फार्मूला इतना, तो इसीलिए इसको ले रहे हैं, उसमें से ये त्रिभुज जब घटा देंगे, ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को, ये वाला जब ये वाला मिल जाएगा तो पूरे वृत्त वाले में से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पाता है कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल वही निकाले हैं 97.425, ठीक है, तो थीटा का मान कितना बच्चों 60 अंश था, यही कि जो केंद्र में कोण बना रहा है ना यही थीटा, तो वो आपका 60 अंश है, 60 लिख लेंगे, उसके बाद इसको काट भी सकते हैं, काट देंगे 6 × 6 = 36 1/6 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, त्रिज्या का मान देखेंगे बच्चों, त्रिज्या का मान 5 है 15 है, 15 का स्क्वायर लिख देंगे −97.425। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको कर लेंगे, देखो सॉल्व कर रहे इसको कैसे, 1/6 3.14 15 के स्क्वायर 15 × 15, देखो बच्चों 3 × 15 और 5 × 3 = 15, 3 से कट गया ना, 3 × 2 = 3 5 कट गया, अब उसके बाद इसको भी काट देंगे, देखो 1 × 5 = 7, तो 15 × 2 = 7 कट गया, अब इसको करा लेंगे बुरा तो हो जाएगा, हो गया 1.57, और ये देखो बच्चों 15 × 25 = 75, ठीक, उसके बाद ये वाला फिर से लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, इसको लिख देंगे 97.425, ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है, आ रहा समझ में, नहीं तो इसको ऐसे लेते हो बच्चों 5 × 15 कर दे रहे हैं, ठीक, 5 × 5 करा दे, देखो 5 × 5 = 3 × 15 = 75 15 × 8 = 120 + 80 = 12 5 × 5 = 12 117 2 × 0.5 97.425, इसको यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है, देखो 15 × 5 = 75 15 × 8 = 120 + 80 = 12 15 × 5 = 12 117, ठीक है, इसको वैसे घटाएंगे बच्चों, देखो इधर समझो कि जीरो लिखा है, ठीक, तो ये थ्री वाले तो 10 में से 5 = 5 है, और ये 14 में से 2 = 2 और ये 7 में से 4 = 3 और ये 7 में से 7 = 0 और ये 11 में से 9 = 2 ये है आंसर, ये सॉरी ये अभी जो है इसका निकला है छोटे वाले का, ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, ये अभी इसका क्षेत्रफल निकला है इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब हमको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना होगा कहा ना संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कहते हैं, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाया स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अब इसको देखो, अब हम जा रहे हैं इसको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल, ठीक है बच्चों, इसको हटा दे रहे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जा रहे निकालने, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे कि पूरे वृत्तखंड में से हम जो है इसको क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु वाला निकाले हैं इसी को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो पूरा निकाल ले इसको, देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था बच्चों पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है यही जो आया है 20.35, तो पाई का मान कितना बच्चों 3.14, आर का मान था 15 उसका स्क्वायर और माइनस 20.35 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, अब 225 का
गुणा करा लेंगे इसमें 3.14 में, 3.14 गुणे 225, 5 × 20 तो 5 × 15 ठीक है। देखो इस तरह से इसको निकालेंगे। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे समझो कि 3 नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। ठीक, तो ये 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बता 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, और 5 में से 6 गया 6, 10 में से 2 गया तो 8, और ये बचा है 6। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ठीक है,